हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं साइकियाट्रिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, एनएलपी ट्रेनर और एक कोच हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल स्किजोफ्रेनिया के बारे में, मतलब सादा छिन्न मानस या सादी सादा टाइप जो है स्प्लिट पर्सनैलिटी का, एकदम सिंपल। वो ये बीमारी जो है ये कॉमनली लड़के लड़कियों में और 18 या 25 साल, मतलब 18 से 25 साल ये एज में होती रहती है, ज़्यादा दिखाई देती है। इसमें वो लड़का अच्छी पढ़ाई करता है, पढ़ाई चालू रहती है और अचानक पढ़ाई बंद कर देता है। घर में बैठे रहेगा, कहीं आना नहीं जाना नहीं, धीरे 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 बातचीत कम होती रहती है, अपने अकेले अकेले बैठेगा, किसी मिलेगा नहीं, पढ़ाई कभी करेगा कभी करेगा नहीं, और अपने ख्यालों में रहेगा, किसका फ़ोन नहीं उठाएगा, कोई काम किया तो काम नहीं सुनेगा, घर के बाहर भी निकलेगा नहीं, और अकेले अकेले बैठे बहुत सारा सोच रहा है, ऐसा दिखाई देगा कि बहुत सोच रहा है। उसको ऐसा कोई मतलब हंसी मजाक सहन नहीं होती, हंसी मजाक तो खुद करेगा ही नहीं, हो कोई व्यक्ति उनको देखेगा नहीं हंसते हुए, कुछ भी कोई भी काम करने में उनको इंटरेस्ट नहीं। उसको बोलना पड़ेगा कि भाई आ जा खाना खा ले, या स्नान कर लो, या चलो कहीं बाहर चलते हैं। मतलब वो अकेला अकेला रह के कभी ऐसा दिखता है कि वो अपने आप से कभी ऐसे ओठ हिलाएगा, मतलब बातचीत करते हुए दिखेगा कभी कभी, या कभी कभी एक छोटी सी हल्की सी स्माइल देगा अपने आप से। तो एकदम सिंपल टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया रहता है, ये धीरे 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 चालू होता है, मालूम ही नहीं पड़ता चालू कब हुआ। माँ बाप को तो पता ही लगता नहीं, क्योंकि इतना धीरे होता है कि लगता है कि ठीक है अभी आजकल जरा शांत रह रहा है बच्चा, आजकल अकेला अकेला रहता है, तो पहले तो अच्छा लगता है कि पहले धूमधाम करने वाला लड़का भी शांत हो गया। मगर फिर जब वो उसका बड़ा रूप सामने आ जाता है तो काफ़ी समय निकल जाता है। जब अभी मेरे पास में अभी इतने में 4-5 बच्चे लाए जो इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, मेडिकल उन्होंने मतलब MBBS किया हुआ है, या कोई वकील है, कि जो अच्छा कर रहे थे अभी तक, बहुत ही अच्छा चल रहा था, और वो पिछले 6 महीने में या साल भर में धीरे 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 नीचे 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 लेवल आते गए उनके, और अभी दिख रहा है सबको कि नहीं अभी इसमें प्रॉब्लम है। अब क्या होता है कि ये जब 6 महीना साल भर हो जाता है तो उसको ठीक करना भी कठिन हो जाता है। एक तो मेरे पास में वहाँ रामपुर से आया, मतलब दिल्ली के पास में, वहाँ से उसको लाया, उसके बहुत पीछे लगते थे, बाहर निकल काम कर, गुस्सा करते थे पिताजी, मगर वो करता नहीं था। जब उसको मेरे पास में यहाँ लाया तो उनको समझा के दिया, उससे बातचीत किया, कुछ दवाइयाँ उसको दिया कि जो दवाई उसके ऊपर काम करती है इसके स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर, वो दवाई दिया, और अभी धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ रहा है। जो दवाई से ठीक नहीं होती उनको हम ECT इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी भी देते हैं, और ECT देके भी, मतलब शॉक ट्रीटमेंट, वो शॉक ट्रीटमेंट देके भी वो अच्छे हो जाते हैं। इसका इलाज शादी करना नहीं है। क्या होता है कि ये उम्र में जब बच्चा ऐसा बातचीत नहीं करता, अकेला अकेला रहता है, माँ बाप को लगता है इसी शादी कर दो, तो शादी करना इलाज नहीं है। शादी होगी तो बोले बच्चा करो तो ठीक हो जाएगा, वो भी उसका इलाज नहीं है। उसका इलाज है कि उसको मेडिसिन देना, काउंसलिंग करना, हिप्नोसिस के माध्यम से उसको कोई सिखाना, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, फैमिली थेरेपी, ऐसा करके वो अच्छा हो सकता है। ऐसे काफ़ी सारे बच्चे आपके परिचित होंगे कि जो ऐसा धीरे 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 अपने लेवल से नीचे उतर रहे, लड़कियाँ भी होंगी लड़के भी होंगे, तो उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करूँगे माँ बाप को, ताकि वो जल्दी से जल्दी उनका इलाज करेंगे तो वो नॉर्मल अपना जीवन जी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।